लखनऊ राजधानी के थाना पारा चौकी हंसखेड़ा क्षेत्र की घटना बीते दिन रात्रि में पति पत्नी को मृत अवस्था में लेकर पहुंचा था लोक बंधु हॉस्पिटल। लोक बंधु डॉक्टरों ने 2 महीने की गर्भवती नवविवाहिता महिला को किया था मृत घोषित। नवविवाहिता गर्भवती महिला की मौत के बाद थाना पारा कोतवाली पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने थाने का किया घेराव। बीते दिन लोक बंधु हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में महिला के मरने के बाद सैकड़ों की तादाद में पीड़ित परिजनों ने थाना पारा का घेराव करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से मामले को दूसरा रूप देने में जुटे हुए। वहीं पर पीड़ित परिजनों का बड़ा आरोप, नवविवाहिता गर्भवती महिला का पति देवेश कटियार को पारा थाना पुलिस अपराधी को बचाने में जुटी हुई है, ऐसा पीड़ित महिलाओं का आरोप है। वहीं पर एक और गंभीर आरोप लगाया कि पीड़ित परिजन महिलाओं ने पारा थाना पुलिस पर पुलिस अपराधी को हवालात में फोन उपलब्ध करा रही है। तभी खुदकुशी करेगा कि जब उसको भाई वो सेल टैक्स में थी और लिपिक की पोस्ट पर थी, इतनी बड़ी वो नौकरी कर रही थी और ऐसी दशा में जो है जा करके उसका मरण कर दिया गया। फिर वो प्रेग्नेंट थी। हम तो ये चाहते हैं कि लड़के पर डबल मर्डर का केस लगना चाहिए, एक जो उसके अंदर है उसका केस। अभी घर वालों ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर जो भी दोषी है जिसको आरोपी बनाया गया है तो उसको अंदर पुलिस बैठाल कर मोबाइल भी दिए है और भी तमाम चीज़ें उनको मुहैया करा रही है। क्या लगता है आपको, जो है पुलिस न्याय दिलाने में सक्षम नहीं नजर आ रही है? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि पुलिस को पूरा न्याय करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम ही होता है कि भाई न्याय करना। अभी तो हम चाहते हैं पीड़िता के परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। इस बात के लिए हम चाहते हैं कि सब देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।